अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज अब्दुल रहमान फ्रॉम SSG मोबाइल। सो हेलो, क्या हाल चाल, एकदम मजे में फिट फट। सो गाइस, अक्सर उकात ऐसे होता है कि हमारा जो मोबाइल है ना, वो बेशक इन्फिनिक्स हो, पोको हो, शाओमी हो, सैमसंग हो, कोई भी, उसमें अक्सर उकात ऐसा होता है हमारा जायरो ना इस तरह ऑटो मूवमेंट ना दे रहा होता है अपने आप ही। अगर हम किसी चीज़ पे ऐसे टीपी भी या एम लेके बैठे तो ये जैसे देखें हम स्क्रीन अपने आप ही ना इस तरह से हिलती रहती है, तो वो नीचे नीचे जाती रहती है, या मोबाइल को यूँ स्टेबल रख देना तो इस तरह से स्क्रीन ना मूवमेंट करती रहती है हल्की हल्की, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें ना एम की प्रॉब्लम होती है। आज की वीडियो में आपको इसके रिलेटेड बताने वाला हूँ कि कैसे आप शाओमी के मॉडल्स हो, वो पोको सीरीज हो या इन्फिनिक्स हो, उसमें कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिएगा और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो पे बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो इसके लिए आपको करना है क्या, सिंपली आपने ना अपनी सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद अबाउट फोन में आ जाएं। अबाउट फोन में आने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा ऑल स्पेक्स, आपने ऑल स्पेक्स पे आ जाना है। ऑल स्पेक्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, देखिए कर्नल वर्जन, आपने इस पर टैप टैप करना है। इस पर 3-4 बार ही टैप करेंगे ना तो आप इस तरह के मेन्यू में आ जाएंगे। अब इधर आपको बहुत सारे ना जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें हम काफ़ी चीज़ें अपनी टेस्ट कर देते हैं, चेक वर्जन, सिम कार्ड, उसके अलावा कीबोर्ड टेस्ट, वाइब्रेट टेस्ट, नोटिफिकेशन, LED लाइट, टच सेंसर, डिस्प्ले, रिसीवर बटन, बॉटम स्पीकर, टॉप स्पीकर, मेन माइक, टॉप माइक, हेडस टेस्ट, वाईफाई, APN स्कैन, वाईफाई एडर, तो बहुत सारे फीचर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आपने जिस ऑप्शन पे वर्क करना है ना, वो है ये वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको जायरोस्कोप का, आपने इसके जायरोस्कोप पे क्लिक करना है और मोबाइल को ना इस तरह से आपने किसी भी स्टेबल प्लेस पे रख लेना, जैसे अभी मेरे पास है, ठीक है। इस तरह से आपने स्टेबल प्लेस रख लेना, आपको मालूम हो जाए कि ये स्टेबल प्लेस पे है, तो मैं इसका जो कवर है ना वो कवर उतार देता हूँ, क्योंकि कवर ऊपर नीचे हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल प्रॉपरली एक स्टेबल प्लेस पे मैंने इसको रख दिया है। स्टेबल प्लेस पे रखने के बाद आपने इसको यहाँ से पॉज कर देना है, ठीक है। आपने इसको पॉज करके इस तरह से आ जाना है, फिर इसको एक दफ़ा फिर ऐसे रख लें, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ऐसे रखना है, फिर इसको बस इसके पास भी करना है। पास करेंगे ना तो यहाँ पे ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको पास करके ना उसके बाद इसको कुछ भी नहीं छेड़ना, सिंपल सा ना आपने बैक आ जाना है, ठीक है। ये देखिए पास का जायरो मैग्नेटिक सेंसर है, वो पास हो गया है। आपने और दोबारा कोई चीज़ सेटिंग इसकी नहीं छेड़नी, सिंपल सा ये देखिए दोनों ऑप्शन पे पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपनी पबजी पर, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा मोबाइल पड़ा है। अब मैं देखता हूँ कैसे स्क्रीन इसकी मूव करती है। आप एम रखें, स्कोप रखें, जहाँ मर्जी रखें, आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन है वहीं पे ही स्टक रहेगी, अपने आप उसकी मूवमेंट ही होगी, जिस तरह वो इस तरह से यूँ मूवमेंट होती रहती है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें गेम के दौरान भी ना तंग कर रही होती है। तो ये देखिए मैं जहाँ भी फायर कर रहा हूँ तो वहाँ पे जायरो जो है वो प्रॉपरली तौर पे मेरा वर्क कर रहा है, इससे आपकी उम्मीद है बुलेट कनेक्टिविटी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। तो आप ये सेटिंग अपने किसी भी मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं, वो इन्फिनिक्स का भी हो सकता है, शाओमी भी या पोको भी है। इस टाइम मेरे पास आप देख सकते हैं शाओमी MI 10T है, तो आप पोको पर भी इसको अप्लाई करके अपनी ये प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे न्यू लेटेस्ट एनालिसिस इस तरह की फ्रेश अनबॉक्सिंग में या किसी ट्रिक के साथ। वक्त तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।